नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं अनिल रानाकोटी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके ही YouTube चैनल अनिल रानाकोटी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइंस बिहाइंड हैबिट। दोस्तों अब तक की वीडियो में दोस्तों हमने गोल सेटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, बहुत कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन जो चीज मैं चाह रहा था गोल सेटिंग के बारे में सीखना समझना वो मुझे किसी भी वीडियो में अभी तक मिला नहीं। मैंने इसके लिए कई सारी YouTube की वीडियो देखी, कई मैंने बुक पढ़ी और फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इस पर कंप्लीट सीरीज बनाऊं। इसके दो या तीन पार्ट होंगे, उन दो या तीन पार्टों में आपको दोस्तों ये गोल सेटिंग कैसे हम अचीव कर सकें, ये रियल गोल सेटिंग होता क्या है, इसको कंप्लीट समझेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे दो तीन वीडियो के साथ, ताकि आप गोल सेटिंग के बारे में कंप्लीट सीख सकें। दोस्तों ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में दोस्तों अभी तक आपने गोल सेटिंग के बारे में जो सीखा होगा वो यही सुना होगा कि गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब एस से स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल मेजरेबल होना चाहिए, अटेंडेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। दोस्तों ये तो हमें सबको पता चल गया है कि गोल स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी टेक्निकल है। थ्योरी से इसको अचीव करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसको बहुत आसान शब्दों में समझना कि गोल आखिर होता क्या है। दोस्तों बहुत आसान शब्दों में गोल सेटिंग को सीखते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सपोज़ कोई पर्सन वो सोचता है कि उसको एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए। अब अगर आप बड़ी गाड़ी और बड़ा घर के बारे में सोच रहे हैं, हम उसको फिर बोलते हैं स्पेसिफिक होना चाहिए, 2 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, गाड़ी किस कलर की चाहिए, कौन से ब्रांड की चाहिए। तो ये सब करने के बाद दोस्तों ये सब चीज़ें जब हम इसको डिज़ायर को हम उसके एक फ्रेम में बना देते हैं तो ये उसका ड्रीम है। जब तक वो चीज़ को सोच रहा है कि वह चीज़ उसे चाहिए और उसने उसके बारे में प्लानिंग नहीं करी है, टाइम बाउंड नहीं डाला है, तब तक वो सिर्फ ड्रीम है, गोल नहीं है। अगर कोई किसी बड़े घर की तमन्ना करता है और वो सोचता है कि उसको बड़ा घर चाहिए, अब उसको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि वो बड़ा घर कितने का आएगा। यानी अब वो कहता है कि वो बड़ा घर जो होगा वो जो उसको चाहिए वो 1 करोड़ का आएगा, जो बड़ी गाड़ी उसको चाहिए वो 50 लाख की आएगी। अब 50 लाख की गाड़ी, अब उसका टारगेट घर नहीं हो गया, अब उसका टारगेट क्या हो गया कि वो 1 करोड़ कैसे कमाए। अब उसका जो टारगेट है वो गाड़ी नहीं है, वो कलर नहीं है, अब उसका टारगेट हो गया कि उस गाड़ी को पाने के लिए वो 50 लाख कैसे कमाए। अब इसके बाद अगर उस कीमत के ऊपर एक और हम फ्रेम लगा देते हैं और वो होता है टाइम बाउंड, कि वो घर उसे कब तक चाहिए, यानी वो 1 करोड़ रुपया कब तक कमा लेगा। तो जब टाइम फ्रेम उसके साथ जुड़ जाता है, जो चीज़ भी हमें चाहिए हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ जाता है, हमारे ड्रीम के साथ जुड़ जाता है टाइम बाउंड, तो वो होता है हमारा गोल। अब ड्रीम हमारा कार लेना नहीं है, अब हमारा जो ड्रीम है वो घर बनाना नहीं है, ड्रीम है, ड्रीम कन्वर्ट होगा गोल में और गोल कन्वर्ट होगा हमारे मैक्रो गोल में। जब हम मैक्रो गोल सेटिंग करेंगे तब हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और हमारे कई सारे गोल अचीव होने के बाद हमारा ड्रीम अचीव हम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में आप बने रहिए, हम बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गोल सेट करें और उसको अचीव कर सके। तो आज की वीडियो पर हमने देखा कि हम ड्रीम को कन्वर्ट करना होगा गोल में और गोल को और ज़्यादा कन्वर्ट करना होगा हमें मैक्रो गोल में। हम अपने मैक्रो गोल में डेली बेसिस पे काम करेंगे तब हमारे गोल अचीव होंगे और गोल अचीव होने के बाद हम हमारे ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, जिनके साथ मिल करके आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए अनिल के साथ, कीप वॉचिंग, हैप्पी अर्निंग फ्रेंड्स।